और जामताड़ा में साइबर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। जामताड़ा थाना क्षेत्र के सोनबाद गांव में छापेमारी में आनंद रक्षित नामक साइबर अपराधी के घर से चावल के बोरों में छिपाकर रखे गए 21 लाख रुपए, नकदी समेत लाखों रुपए के जमीन के कागजात, स्विफ्ट डिजायर, चारपहिया अपाचे और स्कूटी, दोपहिया वाहन तथा ऐसो आराम में उपयोग होने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक एलईडी टीवी वगैरह को जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में कुख्यात साइबर अपराधी रात के अंधेरे में भागने में सफल रहा, लेकिन उसके घर से काफी सामान बरामद हुआ है। बताया गया कि अपराधी का परिवार बीपीएल धारी है, लेकिन इस अपराधी ने साइबर क्राइम से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। एसपी ने बताया कि अपराधी कोलकाता में भी रहकर साइबर अपराध को अंजाम दे चुका है और जेल भी जा चुका है। पूछताछ के लिए उसके पिताजी तथा अन्य सदस्यों को लाया गया था, जिन्हें छोड़ दिया गया है। वहीं साइबर अपराध कर अकूत संपत्ति का मालिक बन बैठा है। इसके विरोध में ईडी को भी रिपोर्ट की जाएगी। तो उसके पास टोटल 8 मोबाइल, 9 सिम, 12 पासबुक, एक स्विफ्ट डिजायर कार, एक अपाची मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक जनरेटर, एलईडी टीवी, जो ये सब रिसेंट परचेज किया हुआ था, उसमें एफडी का पेपर है वो लगभग 6,84,000, माने लगभग 7 लाख का, और इन्होंने 23,65,000 रुपये का ज़मीन खरीदा है उसका पेपर है, और 21,04,840 रुपया कैश। ये जो मतलब विभिन्न मोबाइल के माध्यम से जो डिफरेंट लोगों का पैसा ये लोग फ्रॉड करते हैं, और उस पैसे को अपने अकाउंट में दूसरे के अकाउंट के माध्यम से इसको कलेक्ट करके और फिर ये इकट्ठा करके अपने घर में रख रहा था। हो सकता है इसको कहीं इन्वेस्ट कर। उसके साथ हैं फिलहाल मेरे साथ, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ वाइज को। नमस्कार।